अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाएंगे पायो का सालन, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया था, पाये और सर, जो बकरी की मुंडी होती है ना, दो बकरे की मुंडी और दो बकरे के पाये को हमने अच्छे से भून लिया था। भून कर अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में इसमें 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और इसमें 1 गिलास जितना पानी, और इसमें डालेंगे हम सॉल्ट 1 टीस्पून जितना। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको हमने 50% तक गला लेना है। तो ये जो काला काला दिख रहा है, ये अच्छे से हमने भून लिया है चूल्हे पे ना, इस वजह से ये काला दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसको अभी हम रख लेंगे। अच्छा, मैंने क्या था, इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद पूरा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आधा ही गला है, अभी आधा गलना बाकी है। तो अब क्या करेंगे, एक कुकर के अंदर हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। इसके अंदर हम दालचीनी का टुकड़ा एक डाल देंगे। 4 हरी इलायची हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 काले मिर्च और 6 से 7 ही लौंग। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा डालेंगे और जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए। फिर इसके बाद में हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, क्योंकि जितनी भी ग्रेवी बनेगी ना, वो प्याज का ही इसमें आएगा थिकनेस। तो इसके अंदर हमने डाल दी है 4 मीडियम साइज की प्याज। इसके अंदर हम अभी नमक ऐड कर देंगे, और नमक इसके लिए क्योंकि प्याज जो है ना जल्दी से कैरमलाइज हो जाए। अब इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से पका लेंगे। प्याज का कलर देखिए अच्छे से माशाल्लाह चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का कच्चा स्मेल नहीं चले जाता, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही सिंपल और घर के मसाले से बना रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 30 सेकेंड इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको भून लिया है। भूनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे वो पाया, सर और पैन, जिसको हमने उबाल लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें मैंने अभी सिर्फ फिलहाल 1 गिलास ही पानी डाला है। अब कुकर का लीड बंद करेंगे और पाए गलने तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाए जो है माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए बोन से अलग हो गए हैं। तो ये देखिए पाए और सिर सब अलग हो गया है, माशाल्लाह अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डालिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास जितना पानी ऐड करने वाली हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कोतमीर, थोड़ा सा पुदीना हम ऐड करेंगे। आप हरी मिर्चे भी ऐड कर सकते हो, मैंने हरी मिर्चे नहीं ऐड की है। कोतमीर पुदीना हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, 2 ग्लास पानी, थोड़ा सा कोतमीर, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्ची अगर आप ऐड करना चाहे तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला पाउडर। देखिए गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दे। अब इसको तकरीबन आपने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। तो जितने भी पाए और सर जो है ना, सीरी पाए का जो अरक है, वो अच्छे से इसके अंदर आ जाएगा, पानी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद में ये देखिए अच्छे से इसको पका लिया हमने। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ में, नान के साथ में, पाव के साथ में और घर के फुलके के साथ में भी, आप इसको चपाती के साथ में खा सकते हो। अगर रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।